नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पटेल और मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज हम बात करेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशो के बारे में। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते होंगे, इंटरडे ट्रेडिंग करते होंगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है ना वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। पूरा गेम, पूरा खेल रिस्क रिवॉर्ड रेशो का है, तो ये इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना। अगर चैनल पे अगर मेरे नए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते होंगे, प्राइस एक्शन देखते होंगे, बट सपोर्ट रेजिस्टेंस सबको पता होगा कि एक पर्टिकुलर लेवल होती है जहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, जहाँ पे सपोर्ट होता है। तो मार्केट कहीं से घूम जाती है, बार बार घूमती है, तो वो सपोर्ट माना जाता है। और कहाँ से कहीं से बार बार रेजिस्टेंस लेती है, मीन्स वहाँ से उसके ऊपर नहीं जा पाती, तो वो लेवल रेजिस्टेंस बन जाती है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है, ये जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि बोलने का मतलब यह है, बोलना ये चाहता हूँ कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग आप करते होंगे तो कहीं भी अगर एंट्री कर रहे होंगे आप, दिन भर अगर ओवर ट्रेडिंग करते होंगे, दिन भर कहीं भी एंट्री सी ले लिया, पी ले लिया, ग्रीन कैंडल बननी तो सी ले लिया, रेड बननी तो पी ले लिया, कहीं भी एंट्री करते होंगे तो आप गलत ट्रेडिंग कर रहे हो। तो पहले तो आपका एक सेटअप कोई ना कोई होना चाहिए कि मैं कुछ देख रहा हूँ, मैं कुछ इंडिकेटर देख रहा हूँ, मैं कुछ प्राइस एक्शन देख रहा हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो प्राइस एक्शन में होती है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर मैं सपोर्ट पे ही बाय करूँगा, रेजिस्टेंस पे ही सेल करूँगा, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके फेवर में रहेगा। यानी इसका मतलब ऐसा है, फिर से बताता हूँ, कि अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल के पास ही आप अगर कोई पुट लेते तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो नाम की जो चीज़ है वो आपके फेवर में रहेगी। यानी आपका स्टॉप लॉस एकदम मिनिमम छोटा हो जाएगा और आपका टारगेट बड़ा हो जाएगा। यानी रिस्क आपकी, मान लीजिए अभी ऐसा समझ लीजिए, अगर बैंक निफ्टी की एक लॉट की बात करते तो 500 रुपये की अगर रिस्क हो गई आपकी, यानी 500 रुपये का आपका स्टॉप लॉस लगेगा 20 पॉइंट का, और जो भी टारगेट होगा 1:1 या फिर 1:2 का आपका टारगेट आप बना सकते हो, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट या 60-70, जैसे भी आगे ट्रेल करेंगे। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि कॉमन आदमी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो समझ नहीं पाता है, और क्या करता है कि रेजिस्टेंस लेवल पे जो है वो बाय कर लेता है। उसको लगता है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगी, रेजिस्टेंस तोड़ देगी, ब्रेकआउट देगी, और वो वहीं पर गलत हो जाता है। तो और दूसरा ये करता है कि सपोर्ट लेवल पर पी ले लेता है, उसको लगता है और मार्केट गिरेगी नीचे और मेरा पैसा, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, पर यही गलत कर देता है और वहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो ख़राब हो जाता है। उसके कारण क्या होता है कि अगर आप सपोर्ट पे अगर पुट लेते तो सपोर्ट अगर नहीं टूटा तो उसको सपोर्ट के ऊपर जाने के लिए, सपोर्ट से मार्केट को ऊपर जाने के बहुत सारा यह है, मीन्स उसके पास चांस है कि मार्केट वहाँ से बहुत ऊपर जा सकता है, वापस रेजिस्टेंस लेवल तक जा सकता है। बट अगर आप वहाँ पे अगर पुट लेंगे तो आपकी रिस्क कितनी बन रही है, बहुत बड़ी बन रही है ना, और रिवॉर्ड कितना है, गिरेगा भी नहीं या पता नहीं, और अगर गिर भी गया मान लीजिए, ब्रेकआउट भी फेल हो सकता है, रेजिस्टेंस टूटता है ब्रेकआउट पे, ब्रेकआउट ट्रेडिंग उसे बोला जाता है। तो बोलना क्या चाहता हूँ और करना क्या है आपको, कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा रखना है हमेशा। यानी अगर मैं 500 रुपये खो रहा हूँ तो मुझे मिनिमम 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, जितने ज़्यादा, बट मिनिमम 500 रुपये तो भी आने ही चाहिए। 20 रुपये का अगर मेरा स्टॉप लॉस है तो टारगेट मेरा 20 रुपये बनना ही चाहिए। ये हो गया सबसे अच्छा यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशो, और जिसके मदद से ही आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या आपकी ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। तो ये बात को हमेशा ध्यान रखना कि सारा खेल रिस्क रिवॉर्ड रेशो का है। अगर जहाँ पे आपको लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेरा बराबर नहीं है, जहाँ पे मैं 1000 रुपये लूज कर सकता हूँ पर आप सिर्फ 500 रुपये आ सकते तो वहाँ पे आपका बैड रिस्क रिवॉर्ड रेशो हो गया, वो गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा नहीं होगा। तो हमेशा क्या करना है, ये बात ध्यान में रख लीजिए कि हमेशा रेजिस्टेंस पे ही पुट लेने की सोचे और हमेशा सपोर्ट पे ही कॉल लेने की सोचे, जिससे कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बराबर हो जाएगा। आपको पता रहेगा कि ये सपोर्ट अगर टूटा तो मैं गलत हो गया, मैं बाहर हो जाऊँगा, या फिर ये कैंडल का लो टूटा तो मैं गलत हो जाऊँगा। तो मिनिमम छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा और टारगेट बड़ा बनेगा, यानी ही आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा बनेगा, और आपको मार्केट ही बता देगा। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं भी लगाते, ठीक है, एखादी बार स्पाइक्स लगते हैं बड़े बड़े, तो एखादी बार स्टॉप लॉस नहीं भी लगाते पर आपको मार्केट ही बता देगा। अगर वो सपोर्ट के नीचे बंद हो रही है, एखादी क्लोजिंग दे रही है 5 मिनट्स कैंडल, तो आपको पता चल जाएगा, मार्केट ही बोल देगा गलत हो गया आप, तो बाहर हो जाना।
तो ये पूरा खेल रिस्क रिवॉर्ड का है, इसे जितना जल्दी समझ लोगे उतना जल्दी लॉसेस आपके बंद हो जाएंगे। तो गिन के कुछ तो भी ट्रेड कीजिए, 3-4 ट्रेड कीजिए, ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, और पर्टिकुलर लेवल पर्टिकुलर कहाँ तक सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट आने तक वेट कीजिए, वहाँ पर ही अपना ट्रेड लीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।